वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को नेक पेन के बारे में जानकारी दूंगा कि अगर किसी के गर्दन में दर्द है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, उम्र के हिसाब से और कैसे लक्षण आते हैं, कैसे इलाज करना है, क्या जांचें हैं, कैसे बचें, राइट, क्या क्या इलाज के ऑप्शन हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको पूरा ओवरऑल जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में कि आपको क्या करना, आप खुद से चुनाव कर सकते हो। तो सबसे पहले गर्दन के दर्द के बारे में बताऊं कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लगभग 30-40% को होती है और महिलाओं में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बच्चों में कम है। ज़्यादातर केसेस में ये 30 साल के बाद चालू होती है। थोड़ी सी मैं जानकारी पहले इसके गर्दन के बारे में दे दूं, पहले इसके स्ट्रक्चर को समझो 1 मिनट के लिए, उसके बाद आपको पूरा ये क्लियरिटी मिल जाएगी। जो हमारी गर्दन है उसमें हड्डी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल वर्टिब्रा, ये 7 नंबर में होती है, राइट, एक दूसरे के ऊपर, नंबरिंग C1 C2 C3 दी जाती है। तो बोन है, बोन के पीछे कैनाल नुमा चीज होती है, उसमें से मोटी रस्सी नुमा चीज है जो कि सूचनाएं ले जाती है, नर्व उसमें से जाती है, पैर की मांसपेशियों में जाएगी, दूसरे पेट के हिस्सों में, तो यहाँ से लेके आप गर्दन से नीचे से लेके और नीचे कॉक्सिक्स तक जाती है। उस मोटी जो रस्सी नुमा चीज है उसमें से छोटे छोटे नर्व रूट निकले रहते हैं जो शरीर में अलग अलग हिस्सों में जाके कंट्रोल करते हैं। तो हड्डी हो गई, फिर ये स्पाइनल कार्ड और उससे निकली हुई नर्व हो गई, और तीसरा ये मांसपेशियां हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मांसपेशियों का पूरा ग्रुप है, अपर ग्रुप है, मिडिल और लोअर ग्रुप, और नेक मसल्स हैं जो पूरे हेड को एक पोस्चर में रखती है, कंट्रोल करके रखती है, तो आपका जो भार है सिर का वो सही तरीके से रहे। तो ये तीन चीजें रहती हैं, इन तीनों चीजों में ही गड़बड़ी होने के कारण ये नेक पेन हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले इन्हीं को समझते हैं कि मोस्ट कॉमन जो कारण होता है अगर किसी को 30 से लेके 50 या 55 साल की उम्र में नेक पेन हो रहा है तो ये मांसपेशियों में खिंचाव है ज्यादातर केसेस में। और बढ़ती उम्र के साथ अगर नेक पेन वगैरह हो रहा है तो हो सकता है कि जो स्पाइनल कैनाल है उसमें कुछ गड़बड़ हो, मतलब जो बोन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बोन में फ्रैक्चर भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, बोन का कोई ट्यूमर भी हो सकता है। और एक जो सबसे कॉमन कारण है कि बोन के बीच में जो इंटर वर्टिब्रल डिस्क है उसमें डिजनरेशन होने से जो डिस्क है वो बल्ज करती है स्पाइनल कैनाल में और वहाँ पे नर्व का कंप्रेशन वगैरह कराती है। तो बढ़ती उम्र के साथ वो प्रॉब्लम हो सकती है, पर जो अभी के लिए सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जैसे मेरी उम्र के लोगों में, मुझे भी कभी कभी रहता है, वो है हमारे मांसपेशियों में खिंचाव। मांसपेशियों में खिंचाव तब होगा जब हमारा शरीर तो डिजाइन ऐसा है कि हेड का पूरा भार ये हड्डी के द्वारा नीचे हमारे शरीर में चला जाए, लेकिन अगर ये पोस्चर हमारा ज़्यादा देर तक खराब रहता है उस केसेस में कोई एक ग्रुप की जो मसल है उस पे ज़्यादा भार पड़ेगा, वो टेंस हो जाएगी, उसमें स्पाज्म हो जाएगा और वही होता है नेक पेन, वही होता है ये दर्द, राइट। अब ऐसा हो सकता है जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, मैं इसे देखता हूँ तो इधर वाली जो मांसपेशी है उस पर ज़्यादा भार आएगा, तो मैं लिखता हूँ कंटिन्यूअस तो भी होगा, देखता हूँ या नीचे झुका के जैसे ड्राइवर वगैरह ड्राइविंग करते हैं या हमारे पास लैपटॉप रहता है इसमें देखते हैं अपन, या जैसे लेटते समय अगर आपने ज़्यादा मोटा तकिया लगा लिया, राइट, तो आगे की तरफ ऐसा झुक जाएगा, अगर तकिया नहीं लगाया तो पीछे की तरफ झुक जाएगा, तो उससे भी मांसपेशियां टेंस होगी। या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो पहले आप नहीं करते थे सडन किया तो हो सकता है, कई सारे लोग जिम में जाते हैं तो गर्दन में कहीं खिंचाव हो गया, राइट, बहुत सारे लोग इससे कि कुछ भी पुताई वगैरह काम करते हैं कि जब ओवर हेड एक्सटेंशन हो जाए, तो कोई भी एक्टिविटी जिसमें ज़्यादा देर तक आपकी मांसपेशियां खिंची हुई रह जाए उस समय ये मसल के अंदर स्पाज्म आ जाता है। जैसे मोबाइल है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, अगर 1-2 घंटे कर लिया तो इधर की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 30 से 50 के बीच में ज़्यादातर केसेस में मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। तो मांसपेशियों में खिंचाव हो गया और नर्व में कोई कंप्रेशन हो रहा है दूसरा कारण। और एक कारण ये भी होता है कई लोगों को, जैसे किसी कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, स्कूटी से, सडन ब्रेक मारा तो शरीर तो पीछे रह गया लेकिन आपका ये ऐसे झुक गया तो ये फ्लेक्शन हो गया या एक्सटेंशन भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। उसको विप्लैश इंजरी बोलते हैं जिसमें जो बोन है उसके जो लिगामेंट्स हैं उसमें डैमेज हो जाए। तो ये मोटे मोटे कारण होते हैं। अब आ जाते हैं इसके, अगर किसी को मान लो कि चालू हो गया और उनको समझ में आ गया कि मुझे इस कारण से हुआ है, मांसपेशियों में खिंचाव के कारण हुआ है, तो आपको कोई विशेष जांच कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कारण एकदम स्पष्ट नहीं है तो कुछ जांचें करा लेनी चाहिए। एक एक्सरे की जांच है, बेसिक जांच है, जिसमें सिर्फ हड्डियों के बारे में जानकारी मिलती है कि हड्डियों के बीच में डिस्टेंस कितना है, जो ये वर्टिब्री है इंटर वर्टिब्रल डिस्क में डिस्टेंस कितना है, और कोई बोन का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, बस इतना बेसिक जानकारी मिलती है, ज़्यादा पता नहीं चलता।
सिटी स्कैन बोन के बारे में और डिटेलिंग मिलती है, कोई फ्रैक्चर इन्फेक्शन या ट्यूमर के बारे में। और अगर नर्व के बारे में जानकारी लेना है कि जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही मोटी वाली उसमें कोई दबाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, या उससे जो नर्व रूट निकल रहे हैं, इसके लिए आप MRI करा सकते हैं और नर्व की पर्टिकुलर नर्व की कंडक्शन स्टडी के लिए EMG कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ जांचें हैं, MRI की जांच उजली तब करा लेना चाहिए जब पेन काफी लंबे समय से हो, या तो कोई खतरनाक ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें लग रहा है कि स्पाइनल कार्ड में कंप्रेशन है। तो स्पाइनल कार्ड में कंप्रेशन का लक्षण ये हो सकता है आपके शरीर के निचले वाले हिस्से में कमजोरी फील हो, चलते समय दिक्कत हो, ज्यादा देर तक आप चल नहीं पा रहे, दर्द हो जाता है, या गिर जाते हैं, या तो आपको टट्टी पेशाब करने में दिक्कत हो रही है। अगर नीचे के हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पैरालिसिस जैसा लग रहा है, उस केसेस में इसका स्पाइनल कार्ड में दिक्कत होने की संभावना है, उस केसेस में MRI करा लेना चाहिए। अभी आ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं इलाज के कि आपको इलाज क्या करना चाहिए। अभी बात करते हैं सिर्फ मसल में पेन होने के। अगर किसी की मांसपेशी में पेन हो गया, सपोज करो कि आपने एक्सरसाइज कोई कर ली, एकदम नई एक्सरसाइज कर लिया, उससे आपको यहाँ पे पेन लग रहा है, ये ऑफिस में बैठे हैं बहुत देर तक, लैपटॉप में काम कर रहे हैं और यहाँ पे खिंचाव चालू हो गया, अमूमन लोगों को पता चल जाता है कि मुझे इसके कारण ही हुआ है। तो आपको सबसे पहले अगर सडन अक्यूट पेन हुआ है, तेज हुआ है, तो उसको रेस्ट देना है, इस गर्दन को रेस्ट देना है, वो वाला काम बिल्कुल बंद कर देना है एटलीस्ट 2 दिन के लिए। आप चाहो तो गले में पट्टा लगा सकते हैं सपोर्ट के लिए, लेकिन उसको ज़्यादा दिन ना लगाएं, 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं लगाएं, बल्कि कम ही लगाएं, क्योंकि आप अगर सपोर्ट दोगे मांसपेशियों को तो कई बार फिर मांसपेशियाँ थोड़ी कमजोर सी रह जाती हैं, शुरुआत में पर देना होता है। तो आप दे सकते हैं, रेस्ट दें और पोस्चर को सीधा रखें, मेंटेन करें। 1-2 दिन बाद फिर आपको फिजियोथेरेपी चालू करना है। सबसे पहले मसाज करना है, तो मसाज करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, आप चाहे तो ऐसे ऐसे मसाज कर सकते हैं, तो जो मांसपेशियां टेंस हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, तो थोड़ा दर्द कम फील होगा। इसके अलावा इसमें आप ऐसी ठंडे या गर्म चीज़ से सिकाई कर सकते हैं, जो ठंडी चीज़ है बर्फ से सिकाई अमूमन तब की जाती है जब इन्फ्लेमेशन वगैरह हो, तो इन्फ्लेमेशन तो चूंकि इसमें रहता नहीं, खिंचा हुआ रहता है, स्प्रेन रहता है, तो इसमें गर्म चीज़ से सिकाई कर सकते हैं आप। गर्म चाहे तो पानी बॉटल में भर के उससे कर सकते हैं, या कपड़े से भी कर सकते हैं, 20-25 मिनट करेंगे तो ये रिलैक्स हो जाएगी, थोड़ी सी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाएंगी, राइट। और फिर थोड़े दिन बाद इसमें एक्सरसाइज हमें चालू करना होता है, कम से कम 3-4 दिन बाद, और बिल्कुल हल्की हल्की, कभी ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज नहीं करना है। बहुत सारे फिजियोथेरेपी सेंटर में लोग जाते हैं, या किसी ने जानकारी दे दी तो शुरुआत में ही आगे पीछे ऐसे करना चालू कर दिया, शुरू में बहुत धीरे धीरे इसको स्टार्ट करना है। और जो पूरा एम ये होना चाहिए कि मांसपेशियां जो हैं ये थोड़ी सी मजबूत हो जाए और पोस्चर आपका सही हो जाए, तो पोस्चर सही हो जाए इस पे ध्यान देना है, और मांसपेशियां मजबूत हो जाए ताकि जो स्ट्रेन है उसको अच्छे से झेल पाए, और जो बोन है स्पाइनल जो वर्टिब्रा है उस पे भी ज़्यादा लोड ना आए, राइट। तो कॉलर हमने लगा लिया, और इसके साथ ये भी कर सकते हैं, अगर दर्द ज़्यादा है तो दर्द की दवाई आती है पेन किलर, जैसे कि आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक टाइप की पैरासीटामॉल, ये जनरल पेन कंट्रोल करने के लिए है। अगर मांसपेशियों में ज़्यादा खिंचाव है तो मसल रिलैक्सेंट आता है, उसको आप ले लें। इसके अलावा अगर न्यूरल पेन है तो न्यूरल पेन के लिए भी दवाई आती है, तो उसके लिए भी दवाई आपको ले लेना चाहिए। और कई बार एंटी एंजाइटी, मतलब कि नींद वगैरह रात में नहीं आ रही, तो उसके लिए एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन थोड़े दिन के लिए लें, ताकि शरीर को थोड़ा सा अच्छा फील हो जाए। और फिर धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज चालू करना है। इसकी ज़्यादातर जो एक्सरसाइज होती है वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे आगे यहाँ पे हाथ लगा के आगे की तरफ करोगे, जो लगाओगे तो इस मांसपेशियों में होगी, यहाँ पे करके ऐसे आपको फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ जाके और सीखना है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करना है, राइट। कुछ एक्सरसाइज लेट के भी होती है ताकि ये मांसपेशियाँ ठीक हो जाए। तो ये जब भी मसल में स्प्रेन से अगर हुआ है तो ये इलाज है, और अपने पोस्चर को फिर ठीक रखना है। अब जो भी आप काम करेंगे तो सीधा करें, जैसे मोबाइल देखना है तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपका लैपटॉप आपके सामने होना चाहिए, ज़्यादा नीचे झुक के काम नहीं करना है, राइट, कोई भी काम कर रहे हैं। और थोड़े देर बाद 20-25 मिनट काम करने के बाद इसको थोड़ा सा मसाज कर लिया, हाथ पैर को थोड़ा सा चला लिया, और थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे काम करने के बाद थोड़ा घूम फिर के काम कर लिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी तरह का नेक से संबंधित पेन हो, आप कुछ भी करा लो, दवाई भी खा लो, सर्जरी भी करा लो, कुछ भी करा लो, लेकिन पोस्चर मेंटेनेंस आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट रहेगा, वो लाइफ लॉन्ग ही चलेगा, राइट। सोते समय आपको तकिया का जो साइज है
उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिल्कुल ना तो आपका सिर ऐसे हो ना तो ऐसे हो। तो बिना तकिया के भी नहीं सोना है और ज़्यादा मोटी तकिया भी नहीं लगाना है। करवट आप सोते हो तो भी यही करना है कि तकिया बिल्कुल सेफ में हो, कि ये पूरा आपका जो सिर है वो अलाइनमेंट में हो, कोई मसल पे किसी तरीके का स्ट्रेचिंग ना आए। तो ये तो हो गया मांसपेशियों के बारे में। अब आ जाते हैं अगर किसी के स्पाइनल कार्ड में कंप्रेशन हो रहा है, तो स्पाइनल कार्ड समझने के लिए मान लो स्पाइनल ये वर्टिब्री है और ये स्पाइनल जो कार्ड है मोटी वाली, और इससे न्यूरोपैथी हो रही है। अब ये एमआरआई में दिख जाता है किस लेवल में कंप्रेशन वगैरह हो रहा है। अगर हल्का कंप्रेशन हो रहा है तो आपको थोड़ा सा दर्द फील होगा और ये पेन रेडिएट करता है, भागता है। अगर देखो मांसपेशियों में खिंचाव होगा तो सिर्फ यहीं गर्दन के आसपास रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि उसमें नर्व इंट्रैपमेंट हो सकता है, नर्व थोड़ी बहुत इरिटेट हो। और जो रूट्स है अगर उसमें इरिटेशन होगा तो आपका जो दर्द है वो थोड़ा सर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा चला जा सकता है पीछे की तरफ, और ज़्यादातर हाथ की तरफ यहाँ आता है, राइट। अब हाथ की तरफ में कहाँ झुंझुनाहट है, कितना दर्द है, उस हिसाब से किस लेवल में है C1 C2 C3 C4 उसको देखा जा सकता है, वो MRI में भी दिख जाएगा। हल्का दर्द है तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई है, एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है, मसल को थोड़ा मजबूत करना है, पोस्चर आपका सही करना है, मसाज करना है, कुछ दवाइयाँ हैं, इससे ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस चलता रहा, ज़्यादा दिन का हो गया, 1 साल हो गया, 6 महीने हो रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं रहा और क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे नर्व में गड़बड़ हो रहा है, तो आजकल नर्व काटने के लिए न्यूराटमी भी आती है, या नर्व को एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, वहाँ से जाके उसको रिलीज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के स्पाइनल कैनाल में ही प्रॉब्लम है, वहाँ पे ये डिस्क का बल्ज हो रहा है, राइट, बड़े ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है, हर्निएशन हो रहा है, उस ये पूरी जो डिस्क है उस पे कंप्रेशन हो रहा है, पैरालिसिस चालू हो गया, हाथ पाँव में बहुत कमजोरी लग रही है, चल नहीं सकते, चलने में दर्द होता है, या यूरिन स्टूल करने में दिक्कत हो रही है, या तो वर्टिब्रल कैनाल है वो ही पूरी नैरो हो गई, उस केस में फिर सर्जरी करने की जरूरत होती है। तो सर्जरी से जिस लेवल पे ब्लॉकेज है वहाँ पे जाके उस डिस्क को हटा दिया जाता है, और उसकी जगह 2-3 तरह के सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं। कई बार ग्राफ्टिंग करना है, कई बार दोनों वर्टिब्रा को फ्यूज कर दिया जाता है। तो ये आप ये न्यूरो सर्जन के पास जाके करा सकते हैं। वो कंडीशन अमूमन बहुत ही रेयर होती है। ज़्यादातर केसेस में पोस्चर मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करनी है, कुछ दवाइयाँ हैं, और खाने पे ध्यान रखना है कि जैसे कि विटामिन B12 लेना है, नर्व थोड़ी बने अच्छे से, कैल्शियम लेना है, विटामिन D लेना है हड्डियों के लिए, राइट। तो विटामिन D, कैल्शियम हो गया, विटामिन C लेना है, कोलेजन फाइबर वगैरह बने। तो अगर किसी के नेक में ये पेन हो रहा है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पोस्चर बिल्कुल ठीक रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे बेड पे लेट के आराम से TV देख रहे हैं, ऐसे मोड़ के काफ़ी देर तक, जब भी ये गर्दन ज़्यादा देर तक आगे चाहे पीछे चाहे ऐसे ऐसे मुड़ी रहेगी 1-2 घंटा, तो रिस्क रहेगा। और ऐसे लोग जिनको एक बार हो गया है उनको बहुत सावधानी की ज़रूरत है। पोस्चर को मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करना है, 2 ही तरीके हैं। खाना आपका अच्छा होना चाहिए, रात में नींद अच्छे से आनी चाहिए, कोई तरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो स्पाइनल स्पॉन्डिलोसिस होता है, जो डिजनरेशन हो रहा है, जो स्पेस कम हो रहा है, डिस्क में डिजनरेशन हो रहा है या न्यूरल कंप्रेशन हो रहा है, इसके लिए भी ये एक्सरसाइज वगैरह ही अच्छे से काम करते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके आप एक्सरसाइज सीख सकते हैं। आई थिंक अगर किसी को नेक पेन होगा तो कैसे उनको डिसीजन लेना है, क्या करना है, उसके बारे में जानकारी मिल गई होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।